भारत की पहली बुलेट ट्रेन से जुड़ी अब एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दरअसल यहाँ पर रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ये जो प्रोजेक्ट है इसका काम तो फुल स्विंग में शुरू है। ऑलरेडी ये लोग 13 किलोमीटर की लेंथ को भी कंप्लीट कर चुके हैं एंड नाउ इनकी जो स्पीड है 5 किलोमीटर एवरी मंथ की हो चुकी है। वैसे ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि 10 किलोमीटर एवरी मंथ की होनी चाहिए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो ये जो पूरा 508 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है इसमें से 343 किलोमीटर के तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड भी कर दिए गए हैं ऑलरेडी। इसमें L&T तो 325 किलोमीटर के लेंथ को अकेले एग्जीक्यूट कर रही है विथ 2 पैकेजेस जो कि इन्हें अवार्ड किए गए थे। वही नवंबर लास्ट ईयर में आपको याद होगा कि जो पहली वो अंडरग्राउंड टनलिंग वर्क था 21 किलोमीटर इतनी लंबी टनल ये होगी बुलेट ट्रेन के लिए। इसके लिए भी NHSRCL ने कुछ बिड्स इनवाइट किए थे और ये काफी ज्यादा सोफेस्टिकेटेड कंस्ट्रक्शन होने वाला है स्पेशली समंदर के नीचे। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये भी आ जाता है कि यहाँ पर नॉर्मल ट्रेन नहीं बट बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। सो इसको हमें काफी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ये जो वैसे पूरी टनल होगी मुंबई में अंडरग्राउंड स्टेशन इसके लिए बनाया जाएगा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में और शिल्पाटम इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वैसे इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अब जैसे कि आपको पता ही है कि ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होने वाला है तो NHSRCL ने यहाँ पर ज़रा फेयर कंपटीशन रखा है। जापानीज कंपनी हो या फिर भारतीय कंपनीज जो भी ये पैकेज में इंटरेस्टेड हो यहाँ पर टनल बनाना चाहे ये लोग बना सकते हैं। इसमें से 7 किलोमीटर तो अंडर सी टनल होगी जो कि थाने क्रीक के अंडर से बिल्ड की जाएगी। सो होपफुली यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक रखड़ने के बाद यहाँ पर डेडलाइन पे डेडलाइन दी जा रही थी बट फाइनली अब यहाँ पर एटलीस्ट फुल स्विंग में हमें कंस्ट्रक्शन तो देखने मिल रहा है एटलीस्ट। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये जल्द से जल्द कंस्ट्रक्ट हो जाए। इसके बारे में आपकी क्या राय है जरूर से कमेंट कीजिएगा।